ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या दीपक से धूपबत्ती या अगरबत्ती जला सकते हैं। तो सबसे पहले यही कहूंगी कि दरिद्रता के नाश के लिए तिल का दीपक जलाया जाता है, पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए तिल के दीपक की जरूरत होती है, और इष्ट सिद्धि के लिए यानी भगवान को पाने के लिए घी का दीपक जलाया जाता है। तो आइए हम मेन पॉइंट पर चलते हैं कि क्या दीपक से हमें अगरबत्ती या धूपबत्ती जलाना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको आग्रहपूर्वक निवेदन करके कह रही हूँ कि कभी भी भूल कर भी दीपक से ना धूपबत्ती जलाएं और ना ही अगरबत्ती जलाएं। क्यों? क्योंकि अपना कर्मकांड कहता है कि दीपक से धूपबत्ती या अगरबत्ती जलाई जाती है तो वहीं घोर दरिद्रता का आगमन होता है। उस घर में पैसे का दुरुपयोग हो जाता है, पूरी संपत्ति बिक जाती है, धीरे धीरे घर की सुख शांति छिन जाती है। इसलिए जब भी आपको धूपबत्ती जलानी है तो उसको अलग से माचिस की तीली से जला लीजिए, लेकिन जलते दीपक से नहीं। वहीं आपने अपने बुजुर्गों के मुख से भी सुना होगा कि जलते दीपक को कभी भी फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए, क्योंकि जितने भी हम शुभ कर्म करते हैं उनका साक्षी ये दीपक। और शास्त्र में वर्णित भी है कि एक बार दीपक ने अपने भक्त से कहा कि अरे मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं तो एक दिया हूँ, जब जलाओगी तभी काम आऊंगा। इसलिए देवताओं को, नदियों को दीपक अधिक पसंद है। हर हर महादेव।